अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए संदीप यादव की अस्थि कलश यात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चापड़ा में विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ा। शहीद संदीप यादव की अस्थि कलश यात्रा में उनके गृह नगर सोनकच्छ तहसील के ग्राम कुलाला से होते हुए ग्राम चापड़ा पहुंची। चापड़ा में अनेक धार्मिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा शहीद संदीप यादव की अस्थियां कलश यात्रा का फूलों की वर्षा करके स्वागत किया गया। साथ ही चापड़ा नगर में हिंदू संगठनों के साथ मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी शहीद संदीप यादव को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद अस्थि कलश यात्रा ने नेमावर के लिए प्रस्थान किया, जहां पर शहीद संदीप यादव की अस्थियों को माँ नर्मदा में विसर्जित किया जाएगा। परम पूजनीय आत्मज्ञानी पुरुष दादा भगवान परम पूजनीय आत्मज्ञानी डॉक्टर नीलू माँ और दीपक भाई से आशीर्वाद प्राप्त आपके पुत्र का आत्मा में विषय में सत्संग का कार्यक्रम मिश्री लाल नगर में केला देवी मंदिर पर 17 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक रखा गया है। हरदा में बीती रात रनहाई में घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गर्दन काट कर हत्या कर दी है। मृतक का नाम रामलाल पिता नत्थू जो कि घर के बाहर सो रहा था, किसी अज्ञात ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश कर रही है। जी आपका नाम बताएं। श्याम बताएं, क्या हुआ है ये? हम घर सोए थे, भैया होटल में सोए थे। अच्छा, कहाँ की बात है ये? ये रनाई कला। अच्छा, कब की बात है ये? ये रात के दो एक बजे की बात है, हमने तो सुबह देखे थे। अच्छा, क्या देखा आपने? हमने तो ऐसे मिस्टर देखे थे। मतलब क्या उनके शरीर पे हमला हुआ था? हाँ, हमला हुआ। क्या चीज़ से हमला किया गया था? सर, संज्ञा हुआ था। अच्छा, किसके ऊपर शंका आपको? क्या सुबह उठ के आपने क्या देखा वहाँ पे? पहली बार लेटर देखने खबर करा कि तेरा भैया वहाँ ऐसे ऐसे सोया, फिर और मारे जॉब से। अच्छा, जब वो सोए तो उनके साथ में और कोई लोग भी थे? थे, चार ही। कौन थे वो लोग? नाम पता नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपके भैया का? रामलाल। अच्छा, ये क्या करते हैं रामलाल जी? मजदूरी करते। और आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता। आपको लगता है कि हत्या की गई किसी के द्वारा? हत्या करी गई। किसी के ऊपर कोई शंका वंका है आपको? किसी उनका झगड़ा वगड़ा हुआ था बीच में? रनाई में एक युवक की हत्या कर दी गई सर, क्या आ रहा है पूरा मामला सर? हाँ, ये रनाई कला में, रनाई कला में जो आपकी पान तलाई रोड है, वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे एक होटल पर एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे मौके पर पुलिस गई थी, मैं भी मौके पर गया। तो करीब 45 वर्ष की उम्र श्री रामलाल नत्थू नाहर, उनकी किसी ने हत्या कर दी थी और अभी उनमें लास्ट पर पंचायत में करवा रहे हैं और आपका हत्या का प्रकरण दर्ज करके उसकी विवेचना की। सर, हत्या का कारण कुछ पता चला है? अभी क्या याद कर रहे हैं, विवेचना क्या। ठीक है। परम पूजनीय आत्मज्ञानी पुरुष दादा भगवान परम पूजनीय आत्मज्ञानी डॉक्टर नीलू माँ और दीपक भाई से आशीर्वाद प्राप्त आपके पुत्र का आत्मा में विषय में सत्संग का कार्यक्रम मिश्री लाल नगर में केला देवी मंदिर पर 17 मई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक रखा गया है।